तो ये देखिए तिल के भिजोरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल को रात भर भिगो दिया था और दाल अच्छी तरह से फूल गई है। उसके बाद मैंने इसका पानी पूरी तरह से छान लिया है, क्योंकि इसमें हमें पानी डाल के नहीं पीसना, हो सके बिल्कुल कम से कम पानी में पीसें, ज़रूरत पड़े तो ही पानी डालें। और यहाँ पर 1 कटोरी तिल ली हुई है मैंने, जितना उड़द की दाल लेते हैं उतनी ही तिल लेनी होती है हमें। तो अब मैं सबसे पहले दाल को पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार ले लिया है और अब मैं इसमें उड़द की दाल डाल दूँगी। और ये धुली हुई दाल है बिना छिलके की, इसी से बनाई जाती है ये। तो अब मैं दाल को पीस लूंगी। तो ये देखिए उड़द की दाल को मैंने पीस लिया और आप देख सकते हो अच्छी गाढ़ी दाल पीसी हुई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, भुना हुआ नहीं है, कच्चा ही जीरा है ये। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, बढ़िया टेस्ट आता है नमक का। और मैं इसमें और टेस्टी बनाने के लिए भिजोरों को थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, ये देखिए इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही मैं इसमें 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हींग डाल रही हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी तिल। अब सभी चीज़ों को बढ़िया मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी दाल रहती है उतनी ही हमें तिल डालनी होती, बराबर मात्रा में ही लिया जाता है तिल के भिजोरे बनाने के लिए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए भिजोरे बनाने के लिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, ये देखिए। और आप मिश्रण देख सकते हो, अच्छा गाढ़ा है ये। तो अब बनाते हैं तिल के भिजोरे। तो भिजोरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चूड़ी ली हुई है, चाहे तो आप हाथ से भी बना सकते हो। चूड़ी से बनाने से ये फ़ायदा होता है कि सारे भिजोरे जो होते हैं एक ही साइज़ के बनते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, देखिए इस तरह से, जैसे दाल चिपकती नहीं है। तो इस तरह से हम, ये देखिए चूड़ी रख दी है और नीचे कोई ऑयल, ये शीट अच्छी है, इसमें चिपकता नहीं है, आराम से निकल जाता है। तो इसमें कुछ नहीं लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के प्रेस कर देना है। और इतना मिश्रण डालना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी, मतलब मोटा भी ना बने और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, क्योंकि जब सूखता है ये भिजोरा तो थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और सब तरफ एक जैसा रखेंगे। ये देखिए लेबल, ये देखिए इस तरह से बना दिया है मैंने। चाहे तो आप इसके ऊपर भी और तिल छिड़क सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, ये देखिए। तो चूड़ी फिर ये हटा देंगे, तो इस तरह से एक शेप के हमारे भिजोरे बन जाएंगे सारे। तो अब इसी तरह से मैं दूसरा भिजोरा बना लेती हूँ। चूड़ी मैंने रख दी है, तो ये देखिए मिश्रण लेंगे थोड़ा और सब तरफ अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, ये देखिए। और ये भिजोरे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। भिजोरे बन जाने के बाद में हम ये शीट को धूप में सूखने के लिए रख देंगे भिजोरों को, और अच्छी धूप रही तो 2 दिन में ही अच्छी तरह से सूख जाते हैं। फिर भी अगर हमें साल भर के लिए रखना है और थिकनेस ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा है ठीक से नहीं सूखे, तो कम से कम 3 दिन की धूप तो दिखाएं। और अच्छी तरह सूखने तक हम भिजोरों को सुखा लेंगे, ये देखिए इस तरह से मैं भिजोरे बना लेती हूँ। तो ये देखिए भिजोरे बन चुके हैं, तो अब मैं इन्हें धूप में सूखने के लिए रख दूंगी, और अच्छी धूप रही तो 2 से 3 दिन में भिजोरे अच्छी तरह से सूख जाते हैं। तो ये देखिए तिल के भिजोरे बढ़िया सूख गए हैं। पहले मैं आपको आवाज ही सुनाती हूँ कितने अच्छे सूख गए हैं, ये देखिए। पहले मैंने इन्हें पॉलीथीन शीट में डाला था, जब ये सूख गए तो मैंने इन्हें पलट करके थाली में रख दिया। तो ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, ये देखिए। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए आवाज़ सुन लीजिए कितने बढ़िया हो गए। ये देखिए तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो आप देख सकते हो जो तिल का भिजोरा होता है थोड़ा सा मोटा है बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि टेस्टी लगता है तलने के बाद में, तो इसलिए अंदर तक अच्छी तरह सूखना चाहिए। तो आवाज़ देखिए आप, ये देखिए मोटी वाली जगह पर ही मैंने तोड़ के दिखा दिया है, बढ़िया सूख गया है तिल का भिजोरा। तो अगर धूप कम आ रही है तो आप लगभग 4 से 5 दिन भी इसे सुखा सकते हो। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे तिल के भिजोरे बढ़िया सूख गए हैं। तो अब मैं इन्हें एक साफ सूखे कंटेनर में रख दूंगी, जिससे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। जब भी आपको इन्हें फ्राई करना होगा, आप साफ सूखे हाथों से ही इन्हें निकालें और अच्छी तरह से डब्बा पैक करके रख दीजिए। तो मैं अब आपको कुछ तिल के भिजोरे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए तिल के भिजोरे फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छी तरह से गरम हो गया, तो अब मैंने गैस की आंच धीमी कर दी है। तो अब मैं भिजोरे फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। तो ये देखिए भिजोरों को इस तरह से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे, और फुल आंच पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो एकदम से ये जल जाएंगे।
और हम अगर धीमी आंच पे फ्राई करते हैं तो अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई होंगे और बढ़िया क्रिस्पी लगते हैं फिर ये खाने में। तो आप देख सकते हो हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लग गया, जब तक इसमें गोल्डन सा कलर ना आ जाए तब तक हमें इन्हें पलट पलट के फ्राई कर लेना है। ये देखिए बढ़िया कलर आ ही रहा है इसमें। तो ये देखिए बिजोरों का बढ़िया अच्छा कलर आ चुका है, तो अब मैं इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो कितने बढ़िया दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। तो इसी तरह से मैं और बिजोरे फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे तिल के बिजोरे कितने बढ़िया फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि धीमी आंच पे फ्राई करें तभी अंदर तक बढ़िया क्रिस्पी हो जाते हैं फ्राई होने के बाद में। तो तोड़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितने क्रंची है ये और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में ये। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये तिल के बिजोरों की रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे।